नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में रीवा जिले की 9 नगर परिषदों में पार्षद पदों के लिए मतदान जारी है। यह मतदान ईवीएम के माध्यम से कराए जा रहे हैं। वहीं मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। बता दें कि दूसरे चरण में महापौर पद के लिए 13 और पार्षदों पदों के लिए 838 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि प्रत्येक दल में ईवीएम के 2 मास्टर ट्रेनर रहेंगे, इन्हें अलग अलग मतदान केंद्रों में तैनात किया गया है। वहीं ईवीएम के संचालन के संबंध में किसी भी तरह की कठिनाई आने पर पीठासीन अधिकारी तथा सेक्टर ऑफिसर इनसे संपर्क करके अपनी कठिनाई दूर करवा सकेंगे। मतदान में किसी तरह का विरोध ना हो, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी 9 नगर परिषदों में 3-3 दल तैनात किए गए हैं।